अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 महामुकाबले को लेकर दोनों टीमें उतरी मैदान पर। भारतीय टीम ने जीता, टॉस शुरू हुआ महामुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 महामुकाबले को लेकर दोनों टीमें मैदान पर उतर चुकी हैं, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर इस महामुकाबले की शुरुआत करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस रणनीति के साथ ये टीमें मैदान पर उतरी, कौन कौन से खिलाड़ी कमाल का परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। इस महामुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तीसरे टी20 महामुकाबले को टीम इंडिया जीत कर सीरीज को क्लीन स्वीप करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के इन महामुकाबलों के बारे में, तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अब तक अफगानिस्तान के खिलाफ काफी कमाल का देखने को मिला है। दोनों ही मुकाबलों को भारतीय टीम ने अब तक 6 विकेट से जीता है, यानी कि पहला टी20 महामुकाबला भी 6 विकेट से भारतीय टीम ने अपने नाम पर किया था, तो इसके बाद दूसरे टी20 महामुकाबले को भी 6 विकेट से जीतकर इतिहास रचा। हालांकि पहले टी20 मुकाबले में विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में विराट कोहली ने भी वापसी करी, तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जोड़ा गया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम काफ़ी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करती हुई दिखी और टीम इंडिया ने दमदार तरीके से मुकाबले को जीत कर इतिहास रचा। तो ऐसे में यहाँ पर इस मुकाबले में भी एक बार फिर दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर होती हुई हमें दिखेगी। जहाँ पर दूसरे टी20 मुकाबले की बात करें, तो दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया था, खास करके भारतीय टीम की तरफ से शानदार फॉर्म में उतरे थे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ ही शिवम दुबे, जिन्होंने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई, टीम के स्कोर को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँचाया, जिसकी बदौलत अब तक टीम इंडिया काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस करती हुई आई है। अफगानिस्तान की टीम की बात करें, तो इस टीम ने भी दमदार परफॉर्मेंस किया था। गुलबुद्दीन के बल्ले से हमें 50 भी देखने को मिली थी, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। टीम इंडिया की गेंदबाजी भी काफ़ी कमाल की रही थी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता और सीरीज को भी पूरी तरह से अब अपने नाम पर कर लिया है। हालांकि भारतीय टीम सीरीज की पहले से ही विनर टीम बन चुकी है, लेकिन आखिरी मुकाबले को भी जीत कर टीम इंडिया कमाल करना चाहेगी और सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगी। तो ऐसे में यहां पर इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने के लिए दमदार रणनीति दोनों टीमों की बनती हुई दिखेगी। हालांकि हिटमैन रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान है, लेकिन अभी तक वे कप्तानी पारी खेलते हुए नहीं दिखे, 0 पर आउट होते हुए दिखे। तो ऐसे में यहाँ पर अब इस मुकाबले में वे भी कमाल का परफॉर्मेंस करते वे दिखेंगे और चाहेंगे कि अब जो अपना खाता नहीं खोल सके इस मुकाबले में कमाल करें और ऐतिहासिक पारी खेलते हुए दिखे। हम बात करें यहाँ पर इस महामुकाबले के लिए सबसे पहले दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के बारे में, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे रहमान उल्ला गुरबाज, तो उनके साथ होंगे कप्तान इब्राहिम जादरन, जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने अब तक कमाल की शुरुआत दिलाई। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में कुछ खास तो नहीं कर सके, लेकिन उम्मीद करेंगे कि अब एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी में शानदार शुरुआत दिलाएंगे। तो नंबर 3 पर उतरेंगे गुलबुद्दीन नेब, तो वहीं पर नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगे अजमतुल्ला उमरजाई, नंबर 5 पर मौका मिलेगा मोहम्मद नबी को, तो नंबर 6 पर नजमतुल्ला जादरन हमें खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 7 पर करीम जन्नत को टीम में मौका मिलेगा, वहीं पर नंबर 8 पर खेलते हुए दिखेंगे मुजीब उर रहमान, जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो ऐसे में एक बार फिर इन्हें नंबर 8 पर मौका मिलेगा। वहीं नंबर 9 पर खेलते हुए दिखेंगे नूर अहमद, तो नंबर 10 पर उतरेंगे नवीन उल हक और नंबर 11 पर फजलक फारूकी को टीम में मौका मिलने जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखें तो अफगानिस्तान की टीम काफ़ी दमदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। इस टीम के पास भी दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूद है, जो शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ ही दमदार गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम में अब आखिरी मुकाबले को जीत कर ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करना चाहेगी। दूसरी तरफ टीम इंडिया की दमदार रणनीति की हम बात करें, तो यहाँ पर बेंगलुरु के मैदान में एक बार फिर पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल, यानी कि सुमन गिल को इस मुकाबले में भी मौका नहीं मिलेगा और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग जोड़ी में हमें खेलते हुए दिखेंगे, जहां पर दूसरे टी20 मुकाबले में भी काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस कर चुके हैं। ओपनिंग जोड़ी में यहां पर सुमन गिल के बजाय यहां पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन शुरुआत करी थी,
तो ऐसे में एक बार फिर यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी में यशस्वी जायसवाल को हिटमैन रोहित शर्मा के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो नंबर 3 पर उतरेंगे टीम के रन चेसमैन विराट कोहली। विराट कोहली की बात करें तो काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं कोहली, जिन्होंने दूसरे T20 मुकाबले में भी शानदार पारी खेली थी। हालांकि उनकी पारी ज़्यादा लंबी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उनकी पारी ये ऐतिहासिक रही थी जो जीत के काफ़ी करीब पहुंची और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। तो एक बार फिर नंबर 3 पर इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। नंबर 4 पर उतरेंगे टीम के हीरो शिवम दुबे, जो अब तक सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस कर चुके हैं। अब तक अपनी 250 भी लगा चुके शिवम दुबे को एक बार फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, जो कि अब तक टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिला चुके हैं और अब तक सबसे दमदार बल्लेबाजी शिवम दुबे की ही देखने को मिली। इनकी गेंदबाजी भी कमाल की रही, लेकिन इन्हें एक बार फिर नंबर 4 पर खेलने का मौका मिलेगा। नंबर 5 पर उतरेंगे जितेश शर्मा, जहां पर जितेश शर्मा भी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। अब तक इनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी कमाल की देखने को मिली, गेंदबाजी में भी दमदार परफॉर्मेंस किया। तो ऐसे में एक बार फिर इन्हें यहाँ पर नंबर 5 पर मौका मिलने जा रहा है। तो नंबर 6 पर उतरेंगे रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह ने भी काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। हालांकि उन्हें यहां पर ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जितनी भी खेली अब तक नाबाद रहते हुए दिखे और शानदार पारी इनकी भी देखने को मिली। तो ऐसे में एक बार फिर नंबर 6 पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो नंबर 7 पर उतरेंगे टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया, बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी में काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। हालांकि इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में अब तक दमदार विकेट चटकाते हुए दिखे। तो ऐसे में एक बार फिर दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका ये नंबर 7 पर निभाते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 8 पर उतरेंगे एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, दमदार विकेट चटकाते हुए दिखे। तो एक बार फिर इन्हें यहाँ पर नंबर 8 पर मौका दिया जाएगा और दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका ये भी निभाते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 9 पर उतरेंगे रवि बिश्नोई की बात करें तो रवि बिश्नोई ने भी अब तक शानदार विकेट चटकाए, टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। तो यहां पर एक बार फिर इन्हें नंबर 9 पर मौका दिया जाएगा और दमदार गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। तो नंबर 10 पर उतरेंगे अर्शदीप सिंह की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने भी काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया, अब तक टीम को शानदार फॉर्म में उतारते हुए दिखे, दमदार विकेट इन्होंने भी चटकाए। दूसरे T20 मुकाबले में भी काफ़ी ऐतिहासिक पारी इनकी देखने को मिली थी। तो ऐसे में एक बार फिर इन्हें यहां पर नंबर 10 पर मौका दिया जाएगा और कमाल की गेंदबाजी ये करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 11 पर उतरेंगे मुकेश कुमार, जहां पर मुकेश कुमार की गेंदबाजी भी अब तक काफ़ी ताबड़तोड़ देखने को मिली, शानदार फॉर्म में उतरे ये युवा गेंदबाज ने अब तक टीम को काफ़ी प्रभावित किया। तो ऐसे में यहां पर एक बार फिर नंबर 11 पर इन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते हुए दिखेंगे और काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को क्लीन स्वीप करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करें इस महा मुकाबले के बारे में, तो यहां पर भारत और अफगानिस्तान की टीमें देखें तो काफ़ी दमदार फॉर्म में है। टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक दमदार बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाज मौजूद है जो शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, खासकर की टीम के युवा बल्लेबाजों को मौका मिला। तो वहीं पर युवा गेंदबाज भी अब तक टीम को काफ़ी प्रभावित करते हुए दिखे। तो ऐसे में यहां पर भारतीय टीम काफ़ी दमदार फॉर्म में उतरते हुए इतिहास रच चुकी है। हालांकि सीरीज को तो टीम इंडिया पहले से ही अपने नाम पर कर चुकी है, लेकिन आखिरी मुकाबला अगर हार भी जाती है फिर भी भारतीय टीम इस सीरीज की विनर टीम होगी। लेकिन टीम इंडिया चाहेगी कि तो इस सीरीज को क्लीन स्वीप करे और ऐतिहासिक तरीके से अफगानिस्तान की टीम को हरा कर कमाल का आगाज करे। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय टीम दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक पारी खेलती हुई दिखेगी। हम बात करें इस महामुकाबले के आगाज के बारे में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 महामुकाबला इंदौर में खेला जाएगा, जो कि भारतीय समयानुसार शाम के 7 बजे शुरू होगा और इस महामुकाबले का टॉस हमें भारतीय समयानुसार 6:30 पर देखने को मिलेगा। और जो भी टीम टॉस जीतेगी इस महामुकाबले में जीत की दावेदार रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब तक टीम इंडिया ने दोनों मुकाबलों में टॉस जीता
बताया और 6-6 विकेट से दोनों ही मुकाबले अपने नाम पर किए। तो ऐसे में इस महा मुकाबले में भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हमें होती हुई दिखेगी और इस मुकाबले को आप लाइव देख सकेंगे बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, भारतीय टीम इस महा मुकाबले को जीत कर सीरीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।